नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर सीरीज के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मॉनिटर के बारे में। ठीक है, तो मॉनिटर आपका देखोगे तो कंप्यूटर के जो सिलेबस दिया गया है उसमें आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग आज मॉनिटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो मॉनिटर होता क्या है, सबसे पहले मॉनिटर होता क्या है ये देखें। तो मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो आपका प्रोसेस्ड डेटा को, याद रखिएगा, प्रोसेस्ड डेटा को स्क्रीन पर शो करता है। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा को स्क्रीन पर शो करता है, याद रखिएगा। और ये प्रोसेस्ड डेटा देखोगे तो किससे मिलकर बना होता है, तो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, इसको आपको जानना है। ये छोटे छोटे बिंदु देखोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट या पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स याद रखिएगा, डॉट या पिक्सल्स, ये डॉट या पिक्सल्स कहलाते हैं। और ये डॉट या पिक्सल्स आपके जितने ज्यादा एक दूसरे के नजदीक होंगे उतने ही आपके पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, याद रखिएगा। नजदीक होंगे पिक्चर क्वालिटी आपका उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ये भी आपको याद रखिए। पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाता है तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ेगा, ये भी याद रखिएगा। अब यही जो पिक्चर क्वालिटी है इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो इस पिक्चर क्वालिटी को मेजर करते हैं DPI से। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, याद रखिएगा, फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, मतलब एक इंच में जितने ज्यादा से ज्यादा आपके पिक्सल्स या डॉट होंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ये आपको याद रखिएगा। तो मॉनिटर आप देखोगे तो प्रोसेस डाटा को स्क्रीन पर शो करता है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और ये छोटे छोटे बिंदु क्या कहलाते हैं, डॉट या पिक्सल्स कहलाते हैं। डॉट पिक्सल्स जितने ज्यादा नजदीक होंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ये याद रखिएगा। इस मॉनिटर का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार देखें तो आविष्कार किया है कार्ल फर्डिनेस्ट ने, याद रखिएगा, इसका आविष्कार किया है कार्ल फर्डिनेंड, याद रखिएगा, कार्ल फर्डिनेंड ये कब किया, तो 1897 में इसका आविष्कार किया, ये आपको याद रखना है। एक चीज और आपको जानना है कि आजकल देखोगे वर्तमान में, तो वर्तमान में 24 FPS का FPS, ठीक है, आजकल एनिमेशन में देखोगे तो 24 FPS, ये FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड, तो एनिमेशन में 24 FPS का फ्रेम रेट यूज करते हैं, मानक के रूप में उसको यूज करते हैं, इसको भी जानिएगा। इसके बाद हम लोग देखें तो मॉनिटर का क्लासिफिकेशन, मॉनिटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, एक तो आपका डिस्प्ले के आधार पर और दूसरा आप देखोगे तो इसको टेक्निक के आधार पर या इसी को तकनीक बोलेंगे हिंदी में, या इसको आपका डिस्प्ले के आधार पर, तो या बेस्ड ऑन डिस्प्ले या आपका बेस्ड ऑन टेक्निक। डिस्प्ले के आधार पर देखें तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, याद रखिएगा, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा होता है आपका ग्रे स्केल मॉनिटर, याद रखिएगा। और तीसरा है कलर मॉनिटर आप देखोगे तो कलर मॉनिटर होता है, ये तीन टाइप के आपके डिस्प्ले के आधार पर, ओके, तीनों को हम लोग अभी देखेंगे। इधर टेक्निक के आधार पर देखें तो टेक्निक के आधार पर आपका देखोगे तो CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, CRT मॉनिटर के रूप में देखते हो। दूसरा आप देखोगे तो LCD, ओके, LCD देखते हो, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LCD के पार्ट में ही आता है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी एक मॉनिटर जो LCD का टाइप है।
उसके बाद आप देखते हो तो एलईडी जो वर्तमान में चलता है, एलईडी आपका लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, और एलईडी का आपका अपडेटेड फॉर्म है ओ एलईडी, याद रखिएगा ओ एलईडी। और एक और आपका मॉनिटर है प्लाज्मा मॉनिटर, याद रखिएगा प्लाज्मा मॉनिटर। तो इस तरीके से हम लोग आप टेक्निक के आधार पर ये सब मॉनिटर को देखेंगे और डिस्प्ले के आधार पर इन सब मॉनिटर को हम लोग देखेंगे यहां पर। ओके, अब देखते हैं फिर से आपका डिस्प्ले के आधार पर, बेस्ड ऑन डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के आधार पर मैं तीन टाइप के मॉनिटर की बात किया हूं, ठीक है, तीन टाइप के। एक होता है मोनोक्रोम, पहला मोनोक्रोम मॉनिटर, याद रखिएगा मोनोक्रोम। ओके, मोनोक्रोम मॉनिटर देखोगे तो मोनोक्रोम आप देखते हो तो ये है मोनोक्रोम, ये वाला पिक्चर है मोनोक्रोम, याद रखिएगा ये वाला, ठीक। ये मोनोक्रोम देखोगे तो इसमें जो डिस्प्ले होगा ये डिस्प्ले सिंगल कलर का होगा। इसमें देखिए दो कलर दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यही एक काउंट होता है। तो इसमें आप देखोगे तो जो पिक्चर है वो एक रंग का दिखाई देगा, पिक्चर कितने रंग का, एक रंग का दिखाई देगा, एक ही कलर शो होगा। जैसे कि ग्रीन दिख रहा है, भले उसके साथ में ब्लैक दिख रहा है, लेकिन आपका ये एक रंग शो करता है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखते हो दूसरा तो ग्रे स्केल मॉनिटर, याद रखिएगा ग्रे स्केल मॉनिटर। और ग्रे स्केल मॉनिटर में क्या होगा तो ये दो कलर का बना रहेगा, दो रंगों का बना रहेगा, दो रंग, और दो रंग क्या क्या होगा, एक होगा ब्लैक, याद रखिएगा ब्लैक, और दूसरा होगा व्हाइट। और ये दो रंगों के मिक्सचर से बनता है, इस कारण ये न प्योर ब्लैक रहता है न प्योर व्हाइट होता है। इस कारण आप देखोगे तो ये ग्रे कलर शो करता है। और जितने भी पिक्चर हैं ये आप देखिए यहां पर इमेज दिया गया है, ये ग्रे स्केल आपका ये मॉनिटर है जिसमें आप ग्रे कलर, जब आपका व्हाइट और आपका ब्लैक दोनों मिक्सचर हो जाए तो वो देता है ग्रे कलर, इस कारण ये ग्रे स्केल आपके मॉनिटर कहलाते हैं। तीसरा आप देखोगे तो कलर मॉनिटर में देखोगे तो कलर मॉनिटर आपके तीन कलर के होंगे, तीन आपके बेसिक कलर होते हैं। एक होता है R से रेड, G से ग्रीन, और B से ब्लू, RGB, याद रखिएगा RGB। ये तीन कलर का मिक्सचर बनके आपका ये देखोगे तो कलर टीवी, याद रखिएगा कलर मॉनिटर। ये कलर मॉनिटर देखोगे तो स्क्रीन पर अलग अलग शेड शो करता है, तो कितने कितने आपका कैपेसिटी का शेड शो कर सकता है। तो एक तो होता है आपका 32, फिर 64, याद रखिएगा 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, ये 256 तक का आपका स्क्रीन पर कलर शेड शो करने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा ये तीन टाइप डिस्प्ले के आधार पर। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे तकनीक के आधार पर। तो तकनीक के आधार पर बात करें तो हम लोग डिवाइड कर चुके हैं क्या क्या होता है। एक होता है LCD, एक होता है CRT, एक होता है LED, इस सब पर हम लोगों ने बात किया है, याद रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आता था CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर देखोगे तो इस टाइप से, ये पीछे में आपका निकला हुआ ये बड़ा सा चौड़ा मोटा रहता था, याद रखिएगा। CRT की बात करें सबसे पहले CRT मॉनिटर, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कैथोड रे ट्यूब है। तो इसमें एक कैथोड रेस चलेगा जो निर्वात में एक हो गया, और दूसरा देखोगे तो इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन गन, और इलेक्ट्रॉन गन से निकलता है आपका क्या, तो इलेक्ट्रॉन गन से निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके स्क्रीन पर क्या लगा रहता है, फास्फोरस का लेपन लगा रहता है। उस फास्फोरस लेपित आपके स्क्रीन पर ये टकराएगा, और टकरा करके ये चमकदार आपका इमेज बनाता है, ठीक है, चमकदार इमेज बनाता है। इस तरीके से ये कैथोड रे ट्यूब आपका ये मॉनिटर में वर्क होता है, आप देखोगे। और इसका
यूज देखोगे ये कौन से टेक्निक पर आधारित है, तो ये रोस्टर ग्राफिक्स, आपका रोस्टर ग्राफिक्स आपके टेक्निक पर ये कार्य करता है, इसको जानिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, पहला देख लिए क्या सीआरटी, दूसरा देखेंगे एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले देखोगे तो एक पतली समतल मॉनिटर होती है, देखिए इसमें पीछे में मोटा नहीं है, ये दोनों तरफ को दिखाया गया फ्रंट आपका और बैक को, ठीक है। तो ये आपका पतली समतल मॉनिटर होती है, याद रखिएगा ये आपका लिक्विड क्रिस्टल, और इसमें क्रिस्टल डिस्प्ले लगा रहता है, ठीक है, क्रिस्टल डिस्प्ले आपका लगा रहता है। और ये आप देखोगे क्रिस्टल डिस्प्ले, तो क्रिस्टल डिस्प्ले लगा रहेगा और ये क्या देगा, कलर इमेज देता है, याद रखिएगा कलर इमेज आपका शो करेगा, ये भी कलर इमेज शो कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कलर इमेज शो करेगा, याद रखिएगा। एलसीडी का ही एक टाइप होता है, इसी का एक टाइप होता है क्या, तो थिन टीएफटी, जिसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलेंगे, याद रखिएगा टीएफटी मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो आपका देखोगे तो एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी मॉडल पर वर्क करता है। किस मॉडल पर वर्क करेगा, तो ये एक्टिव एलसीडी एक्टिव मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या होता है मैं बताता हूं, एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी मॉडल पर ये वर्क करेगा। और ये मैट्रिक्स मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी अलग अलग डॉट है, वो डॉट है उन डॉट को रो और कॉलम के रूप में ये व्यवस्थित करके इमेज देने का काम करता है, इस कारण इसको टीएफटी को एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी के रूप में जाना जाता है। ये आपका देखोगे तो ये एलसीडी से ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, याद रखिएगा ये ज्यादा बेहतर होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें पिक्सल्स होते हैं, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाता है, मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, और ये एलसीडी से ज्यादा अपडेटेड फॉर्म है, ज्यादा अच्छा होता है। ओके, इसके बाद एक और टाइप देखेंगे एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है, याद रखिएगा वर्तमान में प्रचलित है एलईडी, इसका बल्ब भी आता है, वर्तमान में प्रचलित है। साथ ही साथ आप देखोगे तो ये हाई रिजोल्यूशन, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन और हाई आपके कॉन्ट्रेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, हाई रिजोल्यूशन और आपका हाई कॉन्ट्रेस्ट, ठीक, याद रखिएगा हाई रिजोल्यूशन हाई कॉन्ट्रेस्ट के साथ ये आपके इमेज देता है, इस कारण इसका यूज किया जाता है। इसी का एक और अपडेटेड फॉर्म आता है ओएलईडी, ओएलईडी एलईडी हो गया ना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसी से अपडेटेड फॉर्म आता है ओएलईडी, ठीक है, ओएलईडी मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड देखोगे तो ये एलईडी का अपडेटेड ही फॉर्म ही है, याद रखिएगा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आप देखते हो तो ये सब कहने का मतलब है कि अलग अलग समय में मॉनिटर अपडेट होते गए और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते गए, इसी को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा एक और आपका मॉनिटर देखने को हमको मिलता है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर देखोगे तो प्लाज्मा मॉनिटर भी आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इसका डिस्प्ले देखोगे तो प्लाज्मा बेस्ड होता है, इस कारण इसको प्लाज्मा मॉनिटर के रूप में देखा जाता है। ये इसकी आपकी पिक्चर क्वालिटी देखोगे, रिजोल्यूशन देखोगे तो और इन सब से हाई होती है, इस कारण इसको प्लाज्मा मॉनिटर के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे एलईडी, एलईडी देखोगे तो इसमें विद्युत खपत भी, आपका बिजली खपत भी इन सबसे अलग होती है, प्लाज्मा में भी मतलब कम होती है, ये आपका ये सब देखोगे। तो इस तरीके से तकनीक के आधार पर भी हम लोग क्या क्या देखे, सीआरटी पहले, फिर सीआरटी से एलसीडी, एलसीडी से एलईडी, एलसीडी के अंतर्गत हम लोग एक टाइप देखे हैं टीएफटी, एलईडी के अंतर्गत देखे हैं ओएलईडी, और एक हम लोग प्लाज्मा मॉनिटर, इस तरीके से
मॉनिटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखें, एक डिस्प्ले के आधार पर, एक आपका तकनीक के आधार पर। ठीक है, समझ आया होगा। ओके, आगे देखें तो आपका मॉनिटर की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर के अंतर्गत आप देखते हो तो आपका चार चीज बेसिक होता है। पहला है आपका पिक्सल्स, पहला पिक्सल, ठीक है, पिक्सल। पिक्सल देखोगे तो इमेज फॉर्मेशन के लिए पिक्सल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। जैसे कि ये पिक्सल देखो, छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहा है, ये छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहा है इमेज में। ये डॉट डॉट जब वर्टिकली या आपका देखोगे तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपका व्यवस्थित होकर के किसी फॉर्म में किसी इमेज को शो करता है, तो इस तरीके, जैसे कि यहां पर देखो एरो दिख रहा है, एरो, ठीक है, तो ये लाइन फॉर्म करके किसी इमेज को शो करता है, तो इसके लिए पिक्सल्स। तो आपको याद रखेगा ये इमेज के लिए होता है, इमेज के लिए होता है, और पिक्सल्स जितने नजदीक होंगे उतने ही पिक्चर क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी साफ सुथरी दिखेगी। तो इसके लिए आपका एक मेजरमेंट के लिए हम लोग देखते हैं DPI, मतलब एक इंच के अंदर में कितने पिक्सल्स हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स एक इंच में ज्यादा होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। इससे मेजर किसे करते हैं, आपका DPI, याद रखिएगा। दूसरा चीज होता है आपका रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट याद रखिएगा, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट देखोगे तो पर सेकेंड में, मतलब पर सेकेंड में आपका, पर सेकेंड में कितने इमेजेस या सूचना, इमेजेस या सूचना आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, अलग अलग शो कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, एक सेकेंड में कितने बार वो इमेज पलट पलट के दिखा रहा है, सूचना को दिखा रहा है, ये रिफ्रेश रेट कहलाता है। जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा पिक्चर क्वालिटी या आपका इमेजेस या आपका वीडियो क्लियर होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो इसी में देखते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रेट याद रखिएगा, रिस्पॉन्स रेट याद रखिएगा। रिस्पॉन्स रेट कहने का मतलब है कि एक ही समय में कितने ज्यादा रंग बदल बदल के दिखाया जा रहा है, रिस्पॉन्स रेट, एक ही समय में आपका कितने ज्यादा से ज्यादा कलर को बदल बदल के दिखाया जा रहा है, मतलब रंग बदलने में, रंग बदल स्क्रीन में रंग बदलने में आपका लगा समय, रंग बदलने में लगा समय क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स रेट कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट, रंग बदलने में लगा समय। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर होता है रिजोल्यूशन, ये हो गया रिजोल्यूशन। ठीक, रिजोल्यूशन अंतर्गत आप देखोगे तो रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं, यहीं पर समझना है आपको। देखिए इमेज में आपको समझ आ जाएगा, ये आपका जब डॉट डॉट वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ये आपका व्यवस्थित होकर हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई वर्टिकली हो जाए, हॉरिजॉन्टली आपका मल्टीप्लाई वर्टिकली आपका पिक्सल्स व्यवस्थित हो जाए तो ये कहलाता है आपका रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन में आप देखे हो जब यूट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब में क्वालिटी में जाते हो और क्वालिटी बढ़ाते हो, तो जितनी ज्यादा रिजोल्यूशन बढ़ाओगे पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी HD में दिखाई देती है, याद रखिएगा। और ये रिजोल्यूशन आपका 144 से लेकर 260, 320, 480, 720, 1080 ऐसे बढ़ते जाता है। ये एक हॉरिजेंटल को दिखाता है और ये आपका वर्टिकल को दिखाता है इनटू ये करके, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो ये कहलाता है रिजोल्यूशन, याद रखिएगा। 144 मल्टीप्लाई 153 इस टाइप से रहता है, तो ये आपका हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल को बता रहे हैं, ये वर्टिकल को बता रहे हैं, इस टाइप से आपका ये क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी को शो करता है। तो ये चार चीज इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पिक्चर क्वालिटी के लिए और पिक्चर क्वालिटी आपकी मॉनिटर को शो करेगा। ठीक है, तो ये पिक्सल्स, रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स रेट, आपका रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन अलग अलग होता है इसको भी जानना है, रिस्पॉन्स ये भी, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट को किससे मापते हैं तो हर्ज से मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। रिफ्रेश रेट को किससे मापेंगे तो हर्ज से मापेंगे, ये आपको जानना है। इस तरीके से हम लोग मॉनिटर को आपका
कंप्लीट के हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ये मैं बताया, ये किस इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, किसमें क्या कार्य होता है, ये सब हम लोग ने देखा है। अब इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो एमसीक्यू में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है टीएफटी का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी मतलब थिन प्ला थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। बताया हूं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ये किसका टाइप है, तो ये एलसीडी का टाइप है, याद रखिएगा। एलसीडी मॉनिटर के अंतर्गत ही आप देखे हो टीएफटी, याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये सब गलत है, आंसर ए इज राइट। ठीक है, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में, मिप्स में, फ्लॉप्स में, केबीपीएस में, किसमें बताइए। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट अभी बताया हूं, रिफ्रेश रेट को मापा जाता है हर्ट्ज में। और रिफ्रेश रेट में क्या मापा जाता है कि एक सेकेंड में कितने बार पिक्चर चेंज हुआ है, सूचना चेंज हुई है, इंफॉर्मेशन चेंज हुआ है। जितना ज्यादा चेंज होगा पिक्चर क्वालिटी या उस मॉनिटर की क्वालिटी अच्छी कहलाएगी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, एच जेड। इसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, मॉनिटर के हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल के संख्या के गुणनफल को क्या बोलते हैं। अब भी बताया हूं क्वालिटी ऑफ मॉनिटर के अंतर्गत चार चीज देखें, उसी में है एक चीज क्या, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ही आपका ये हॉरिजेंटल आपका इनटू वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या को बताता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजोल्यूशन होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो चौथा क्वेश्चन, निम्न में से वीडियो का वैध रिजोल्यूशन नहीं है, नहीं है पूछा गया। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, नहीं है पूछा गया, नहीं है। तो 144 पिक्सल में बताया हूं, 240 बताया हूं, 480 ये भी होता है, 1024 नहीं होता, आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि ये आप देखोगे 1024 ना होकर के ये कितना होता है, 1080 पिक्सल्स होता है, याद रखिएगा। 1080 पिक्सल्स होता है, ये एचडी के अंतर्गत आ जाएगा। एचडी के अंतर्गत जब रिजोल्यूशन यूट्यूब में आप देखोगे तो ये सब मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर, तो नहीं है पूछा है तो ये सब है पूछा रहता तो इसमें से आ जाता। ओके, ठीक है, समझ आया। तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर के अलग अलग टॉपिक या अलग अलग महत्वपूर्ण सेक्शन को देखने के लिए हमारे कोको की यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।